गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या बन रहे हैं, उसके साथ में इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। मैंने आपके लिए जो टेलीग्राम में पोस्ट किया था, पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, क्या है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग का प्लान करें। जैसे हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस देखते हैं तो हमारा इंट्राडे के बेस में टारगेट होता है। अगर इनके हमारा टारगेट बेटर वे से और कुछ अच्छा दिखता है तभी हम उसको पोजीशन लेके जानते हैं। वही पोजीशन हमारा मैक्सिमम एक वीक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जो जैसा मेरा स्ट्रेटजी है। हो सकता है कुछ लोगों का और अच्छा भी हो, वो बड़े मूव के लिए देखते हो, लेकिन अगर हमें छोटे छोटे टारगेट रेगुलर बेसिस मिलते रहते हैं तो वो भी हमारे लिए बेटर है। तो हमें उससे हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो भी हैम्पर नहीं होती है, और छोटे टारगेट्स निकालना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े टारगेट्स। तो इस वजह से आप मेरे साथ जुड़िए, छोटे टारगेट्स के लिए हम देखेंगे और रेगुलर बेस से देखते हैं कि कहाँ पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। ये मैंने पोस्ट किया था, कुछ लोगों ने लाइक किया, कुछ लोगों ने डिसलाइक किया है। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन, मैं इसमें जो भी स्टडी रहती है मैं जस्ट उसको शेयर करता हूँ। ऐसे कैसे परफॉर्म करना है, मार्केट को किस तरह हमें रिएक्ट करना है, वो इम्पोर्टेंट मैटर इसमें रहता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चार्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं हम लगातार एक रेंज में ही मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, और एक कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन था उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद में फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर कुछ ऊपर निकलता है, हायर साइड जाने की कोशिश करता है, तो इसमें गोल्ड और सिल्वर में थोड़े बहुत साइडवेज टू करेक्शन मोड में रहने के चांसेस मिलेंगे। तो गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड को जिसने हायर टाइम में यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया था उसके बाद में कंटिन्यू लोअर साइड का पैटर्न बना रहा है, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा इसमें डाउन साइड नहीं आया है कि मार्केट को आपको बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन आ जाए कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 2400 तक का लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। सिमिलर तरीके से अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो इंडियन गोल्ड का भी अच्छा ब्रेकआउट रेंज चल रहा है। अब इसके लिए जो नीचे की सपोर्ट बने 74,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसको उसने रिस्पेक्ट किया है और फाइनली ऊपर जाके ब्रेक किया है, तो ये सारे इसके लिए लेवल काम करेंगे। उसके बाद 73,750 का लेवल इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। गोल्ड के बाद में हम सिल्वर देखते हैं। सिल्वर कॉमेक्स में आज मार्केट की ओपनिंग होती है, एक रेंज में ओपन होता है, उसके बाद में गिरावट कंटिन्यू, काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ में गिरावट जारी है। अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम में भी सेलर्स थोड़े से एक्टिवेट हो गए हैं, एक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रेंड ऐसे कंडीशन में जो हम रेगुलर बेसिस देखते हैं, हमें रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना होता है, उसी में हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। जैसे आप लोगों के कमेंट से काफ़ी लोगों के कि कुछ लोगों को लॉस हो रहा है, सेल साइड अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हुए हैं, तो इंडियन मार्केट में सेल साइड की अपॉर्चुनिटी लेके बैठना, वो भी अपॉर्चुनिटी इतनी डाउन साइड की है कि वहाँ से मार्केट ऑलरेडी 8 से 10,000 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको निकल जाना बेटर होता है। जब आप एक रेंज को ट्रेड करते हैं, रेंज के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप निकलने की कोशिश करें। अगर इसके यहाँ पे आपने कुछ सेल साइड अपॉर्चुनिटी बना रखी है तो मार्केट यहाँ पे जब ये ट्रेंड आपके अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, वो सारे फेवर सिल्वर को कर रहे हैं कि मैं हायर साइड जाऊँगा, तो वहाँ भी आपको निकलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर हम थोड़ा रिजिड होकर बैठ जाते हैं तो ट्रेडिंग पॉइंट अभी उससे थोड़ा सा टफ होता है, उसको आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाना। तो जिन्होंने लॉस किया है उनके लिए सिंपल सा है कि अभी आप थोड़ा कूल होके बैठिए इस वीक को, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी सिंपल सी चेंज हो जाता है तो उस समय हम रिकवर करने का सोचते हैं, और रिकवर करने के चक्कर में हमारा और भी लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा 1% 2% का करेक्शन दिखाता है मार्केट तो बड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेके लोग बैठ जाएंगे, लेकिन अगर डाउन साइड भी आता है तो ये जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए था ये इंपॉर्टेंस के लिए सपोर्ट का काम करने वाले। सबसे पहले इसके लिए 94,500, उसके बाद में 94,000, फिर ये ट्रेंड लाइन का इसका सपोर्ट इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। ये छोटा सा जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है मल्टीपल टाइम पे आप देखोगे तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है 93,000 के आसपास। मार्केट फिलहाल के लिए अगर डाउन साइड भी आता है तो यहाँ तक आने के बाद एक बार करेक्शन होने के बाद थोड़ा सा पुलबैक लेगा। लगातार वन डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव चल रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में जो हमने लर्न किया है, कुछ वीडियो पढ़ी अगर आप उसको देखते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसका एंगल ज़बरदस्त तरीके से चलता हुआ जा रहा है। अगर इस एंगल को आप
मार्कआउट करते हैं तो ये लगभग 60% से ज़्यादा का स्टेट है ये। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वन डायरेक्शन मूव किया है। तो मार्केट हो या कोई भी कंडीशन हो, इक्विटी हो, डेरिवेटिव हो या फिर MCX हो, एक डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करता, रुक रुक के जाता। जैसे यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा था, यहाँ भी इसने मूव किया है, 5 से 6 हज़ार पॉइंट का मूव किया है, लेकिन यहाँ पे इसे स्लो एंड स्टडी मूव किया, हर एक को अपॉर्चुनिटी दिया है एंट्री करने का, एग्जिट करने का, लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को एक भी मौका नहीं दिया है, स्पेशली मई मंथ में। तो थोड़ा सा सेलर्स के लिए अभी भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखते हैं तो 95,300 से ऊपर, 95,400 का इसने हाई लगाया है और पिछले 2-3 दिनों में ही ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। तो थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो हाई साइड में निकलने को कोशिश करेगा। अगर इनके से ट्रेंड लाइन के नीचे फंसता है तो आपके लिए फिर यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे हैं उनको भी कुछ मौका मिलना चाहिए, जैसा हम रेगुलर बेस से देख रहे हैं। लेकिन प्राइस पैटर्न के बेस में अगर जाते हैं तो अभी ऐसा कुछ सिचुएशन बनती हुई नहीं देखने को मिल रही है। 4 आवर में भी अगर आप देखते हैं, आवरली में थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन 4 आवर में ज़बरदस्त तरीके से एक ही वॉल्यूम ने ज़बरदस्त फॉर्मेशन किया है, उसके बाद में उसका फॉलोअप भी आया है। अभी आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रही, अगर 94,500 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रेंड लाइन नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगी। अगर हायर साइड जाता है तो फिर इसके लिए 97,000 का लेवल भी ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। दोनों डायरेक्शन में हमें देखना है, क्योंकि हमें जस्ट जो हमारा टारगेट होता है, हम छोटे अमाउंट्स के साथ में छोटे टारगेट्स के लिए देखते हैं जो कि हमें रेगुलर वे से मिलता रहे। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकते हैं कुछ भी प्रॉफिट, या फिर हमारी साइकोलॉजी लगातार प्रॉब्लम में फेस करते रहेंगे। तो इस वजह से हमें सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि प्रीवियस डे का हाई और लो आप मार्क कर लिए, उसको एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करिए, उससे भी आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आज मार्केट एक थोड़ा सा जैसा ग्लोबल सिचुएशन बनती हुई देखने को मिल रही, थोड़ा आपको करेक्शन फेज में देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद ही फर्दर डिसाइड करेगा मार्केट क्या करने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।